है उसको क्लासिफिकेशन। सर जी बेटे जो रिप्टाइल्स है उसके 7 पेज तक करना है ना सर? रिप्टाइल्स मुझे नहीं, मैंने जितना पढ़ाया था वो सारा करना है, वो कोई तो सारी 7 पेज तक मुझे नहीं इस टाइम पता, मेरे सामने वो चैप्टर नहीं खुला हुआ, मैंने साथ साथ करवाया था तो जो उसका जितना करवाया था वो सारा इंक्लूडेड है। ओके सर, क्योंकि इस टाइम मेरे पास चैप्टर ओपन नहीं है तो मैं 7 कैसे बता सकता हूँ। चले ये लास्ट है, इसको हम करते हैं क्लास ममेलिया। ठीक है, क्लास ममेलिया जो है, मैमल्स जो है, इनमें मेमरी ग्लैंड होते हैं, दे फीड देयर यंग वंस, इनके जिस्म पे बाल होते हैं, डायफ्राम होता है सांस लेने के लिए, कानों में 3 हड्डियां होती हैं, देन मुख्तलिफ किस्म के दांत होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबिशियस पसीने के ग्लैंड और चिकनाई के ग्लैंड इनके जिस्म पे मौजूद होते हैं, बड़ा सारा सेरिब्रल 4 चैम्बर हार्ट होता है, बड़ा सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। ये मैमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली सब क्लास है प्रोटोथेरिया, पहले इसमें अंडे देने वाले मैमल शामिल होते थे लेकिन अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, अब इसके अंदर सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज ही शामिल है। सब क्लास थेरिया, इसकी मजीद इंफ्रा क्लासेस हैं, पहले है ऑर्निथोडेल्फिया, इसके अंदर मोनोट्रीन शामिल है, अंडे मैमल शामिल है। फिर इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया, इसके अंदर प्लेसेंट, इसके अंदर जो है वो पाउच मैमल शामिल है मेटाथीरिया। आपने देखा होगा ना कि वो कैंगरू अपने बच्चों को पाउच के अंदर रखते हैं, पाउच के अंदर रखते हैं, इसलिए इसको हम मेटाथीरिया कहते हैं, जिसमें पाउच मैमल होते हैं, जो बेबी है वो इनसाइड द पाउच ऑफ मदर जो है वो रिजाइड करता है। फिर है इंफ्रा क्लास यूथीरिया, इसमें जो है कम्प्लेक्स प्लेसेंटा होता है, यूथीरिया के अंदर जो है वो कम्प्लेक्स जो है प्लेसेंटा होता है, यंग डेवलप टू एडवांस स्टेज प्रायर टू द बर्थ, जो इसमें ह्यूमन एग्जांपल है कि मदर की बॉडी के अंदर इसकी डेवलपमेंट होती है, जो वो पैदा होता है तो वो फुली डेवलप होता है। फिर आगे है ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, ऐसे मैमल जो कि इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। ये थर्ड लार्जेस्ट मेमेलियन ऑर्डर है, इसकी एग्जाम्पल हेजहॉग्स है और टेनरेक्स मोल्स और श्रियूज इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है ऑर्डर काइरोप्टेरा, आइडर ऑर्डर काइरोप्टेरा में ये है कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन जो है मीन जो कि पूरी दुनिया में पाया जाए उसको हम कॉस्मोपोलिटन कहते हैं, बट स्पेशली अबंडेंट इन ट्रॉपिक्स, लेकिन ट्रॉपिक्स के अंदर ये ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक्स मीन गर्म इलाकों में। इसकी एग्जाम्पल बैट्स चमगादड़ है, जिसके जो उड़ जो डिजिट्स हैं, उंगलियां हैं, उनके दरमियान मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि उनकी उंगलियों को जोड़ के रखती हैं। इनकी एग्जाम्पल जो है वो चमगादड़ हैं, और इनमें इंसेक्टिवोर्स भी हैं, कुछ फ्रूट ईटिंग भी हैं, कुछ फिश ईटिंग भी हैं। फिर अगला आ जाता है प्राइमेट्स, दरख्तों पर चढ़ने वाले मैमल्स, जिसके अंदर आपके पास गिबन्स, मंकीज, लेमर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक हो गया, इनके टीथ जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म की चीजें खा सकते हैं। इनके जो हाथ पांव हैं वो ग्रास्पिंग होते हैं, वो चीजों को पकड़ सकते हैं। लिम्ब्स जो है वो मूवेबल होती हैं, इनके जो उंगलियां हैं उनपे नेल्स जो है वो मौजूद होती हैं, बड़ी आईज होती हैं। तो दीज आर द प्राइमेट्स। नेक्स्ट है ऑर्डर इडेंटेटा, इडेंटेटा क्या होता है, इसको हम जिनार्था भी कहते हैं। इसमें क्या है, इंसाइजर एंड किनाइन्स एब्सेंट, इनमें इंसाइजर्स और किनाइन मौजूद नहीं होते। चीक टीथ व्हेन प्रेजेंट लैक इनेमल, इनके दांतों के बाहर इनेमल मौजूद नहीं होता। हाइंड फुट इज फोर टूथ, पीछे वाले जो हाइंड फुट होता है उसमें 4 उंगलियां होती हैं। फोर फुट हैज 2 और 3 प्रोमिनेंट टू, और आगे वाले जो फीट है उसमें 2 या 3 जो है वो टोस जो है वो मौजूद होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एंट ईटर एंड ट्री स्लॉट, आंट ईटर ई कीड़ियां खाने वाला जानवर होता है, उसके अलावा आर्मेडिलू होता है जिसके जिस्म के बाहर बहुत सा सख्त सा होल होता है, वो इडेंटेटा में आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर लेगोमॉर्फा, इसमें 2 पेयर ऑफ अपर इंसाइजर्स, इसमें ऊपर इंसाइजर्स कहते हैं ये आगे वाले दांत, ये जो सबसे आगे वाले हमारे दांत होते हैं उसे हम कहते हैं इंसाइजर्स। उसके बाद आते हैं केनाइंस, केनाइंस के बाद प्री मोलर, और एंड पे आती है दाढ़ें जिन्हें हम कहते हैं मोलर्स, दाढ़ें। इसमें वो कहता है लेगोमार्फा के अंदर खरगोश वगैरह होते हैं, इनमें ये जो इंसाइजर्स हैं आगे वाले दांत हैं इनकी 2 पेयर्स मौजूद होते हैं,
जबकि ये ग्रो करते रहते हैं, और जब बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो गिर जाते हैं, और इनकी जगह जो है वो नए नए जो है वो जो टीथ वो ले जाते हैं। इसकी एग्जांपल है रैबिट्स एंड पाइकास। उसके बाद है ऑर्डर रुडेंशिया। ऑर्डर रुडेंशिया में रोडेंट्स आते हैं, जिसमें आपके पास स्क्विरल आ जाते हैं, माउस आ जाते हैं, रैट्स आ जाते हैं। इनमें जो इंसाइजर्स है उनकी सिंगल लेयर्स होती है, ठीक है, और वो भी ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद है ऑर्डर सिटेशिया। ये क्या होता है, हेयरलेस इनकी बॉडी होती है, बॉडी के बाहर हेयर्स नहीं होते। थिकर लेयर ऑफ फैट, फैट की बहुत मोटी लेयर होती है। सेबेशियस ग्लैंड मौजूद नहीं होते। और जो इनके फोर लिम्स हैं वो किसमें है, फ्लिपर के लिए होते हैं, स्विमिंग के लिए। और उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है वो व्हेल्स, मछलियां आपने देखी ना, व्हेल्स जो है वो उसकी एग्जांपल है। तो फिर व्हेल्स जो है इसकी एग्जांपल है और वो उसके अंदर शामिल होते हैं। आगे आ गया ऑर्डर कॉर्निवोरा। ऑर्डर कॉर्निवोरा जो है क्या है, कार्निवोर शामिल है। कार्निवोर्स गोश्तखोरों को कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने पढ़ा लाइन है, रेटल्स आ गए, बियर्स आ गए, कैट्स, डॉग्स आ गए। इनके जो मोलर्स होते हैं, दाढ़ें, वो मॉडिफाइड होती हैं गोश्त को खाने के लिए, जिसको हम कार्निशियल भी कहते हैं। थ्री पेयर ऑफ अपर एंड लोअर मतलब इंसाइजर्स के तीन पेयर्स, कार्निवोरा में ये जो आगे वाले दांत हैं, ये जो इंसाइजर्स हैं, इनके तीन पेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रोबोसीडिया, जिनमें सूंड होती है लंबी सारी, मतलब इसकी एग्जाम्पल एलिफेंट, माउथ के आगे लंबी सारी सूंड, दो दांत बाहर निकले होते हैं, ठीक है। वो कोई रोल नहीं होता, टस्क के तौर पर रोल प्ले करते हैं, तो इसमें एलिफेंट इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है ऑर्डर साइरिनिया। इसमें एग्जाम्पल है जिसको हम ट्रीज कहते हैं। सेकंड लास्ट है ऑर्डर प्रीसियोडिक्टाइला। प्रीसियोडिक्टाइला में मोलर जो होते हैं ना, इसके अंदर जो बेसिकली हॉर्स वगैरह आते हैं, इनकी जो दाढ़े हैं वो मोटी मोटी सी होती हैं, वो प्लांट को चबाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्रीमियम मौजूद होते हैं इनके, आपने देखा है कि घोड़ों के खुर होते हैं, हूव्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। लास्ट ऑर्डर है आर्चियोडिक्टाइला, जिसके अंदर जिराफी आते हैं, कैटल्स आते हैं, पिग्स आते हैं, कैमल्स आते हैं, ठीक है। और इसमें प्राइमरी ग्रेजिंग होते हैं, ये ग्रेज करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, पिग्स वगैरह शामिल हैं। इनके जो टोज हैं वो डिवाइडेड होते हैं, दो हूफ जो हैं वो दो मतलब दरमियान में उनके खला होता है, और डिजिट जो है उंगलियां जो हैं मौजूद नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक जो है ये आपका सिलेबस था जो कि हमने कवर कर लिया। तो दिस इज द एंड ऑफ अवर सिलेबस। तो कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, तो अब आप लोग, नाउ दिस इज ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म।